जो ये वाला ऑप्शन है ना आपका, ये वाला सेकंड नंबर वाला जनरल सेक्रेटरी वाला, इसमें क्या करना आपको, ये 80 नंबर पे है अपने, 80 नंबर पे कौन है, हिम्मत सिंह रानीवाल, हिम्मत सिंह रानीवाल है, इन पे क्या करना क्लिक करना जो आपने। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके यूथ के अभी चुनाव हो रहे हैं, तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि जो यूथ के चुनाव है उसमें आपको वोट कैसे डालना है। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम ये बात करने वाले, आप एंड तक हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जो पास स्टेप है वो फॉलो करना, वो आपको मोबाइल का जो प्ले स्टोर है वहां पे जाना, उसके बाद में एक ऐप आता है विद आईवाईसी, एक ऐप आता है आईवाईसी का, वो ऐप जाके क्या करना आपको इंस्टॉल करना, सबसे पहला काम आपको ये करना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आज इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले यहां पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जस्ट आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो जो बेसिक डिटेल आपसे मांग रहा है वो बेसिक डिटेल आपको देनी है। सबसे पहले आपको आपकी फोटो मांग रहा है, यहाँ पे आपका फुल नेम, आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपसे मांगेगा एपिक नंबर। ये चीजें मांगने के बाद में आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे ओके करना है। पहला स्टेप ये हो जाएगा, उसके जस्ट बाद में आपके पास में इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें क्या करना आपको, यहाँ पे अपना वोटर आईडी नेम, वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है वो डालना है। इसके बाद में आप इन तीनों में कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं आप इनको खाली भी छोड़ सकते हो दोस्तों। आगे आपको होम स्टेट राजस्थान से, तो राजस्थान आपका जो स्टेट है वो चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, इसके अलावा आपकी विधानसभा चूज करनी है। इसके बाद में दोस्तों आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप इंटरफेस आ जाएगा और यहां पे क्या मांगेगा आपसे, ओटीपी, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पे डालना है और लॉगिन पे ओके करना है। लॉगिन पे ओके करने के बाद में आपके पास में इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब है मेन बात की बात, काम की बात, ठीक है। जब ऐसा कुछ दिख जाए आपको तो सबसे पहले आपको नीचे जाना है, नीचे मेंबर्स वाले ऑप्शन पे ओके करना है। किस पे, मेंबर्स वाले ऑप्शन पे ओके करना है। आप जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस टाइप का कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आपको मेंबरशिप वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास में इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा। आपको अप्लाई वाले मोड पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले डाउनलोड रिफ्रेश पे इस पे ओके करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाद में आपको इस वाले इंटरफेस पे डाउनलोड रिफ्रेश वाला बटन है, इस पे ओके करने के बाद में आपके सामने आपका ये बैच आईडी दिख जाएगा, जो आपने सबसे पहले जब ऐप बनाया था ना उसमें आपसे जो डिटेल मांगी है ना उसका है। अब इसमें करने के बाद में आपको देखो पेमेंट का ऑप्शन भी पेंडिंग आ रहा है और ये वाला भी पेंडिंग आ रहा है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, इसी पे ओके करना। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, आपकी आईडी आ जाएगी। आने के बाद में आपको नीचे दिया होगा करेक्ट मेंबर, इस करेक्ट मेंबर वाले ऑप्शन पे क्या करना आपको ओके करना है। जैसे ही आप इस पे ओके करेंगे और आपके सामने ऐसे कुछ छह स्टेप है तो ये छह स्टेप आपके सामने खुल जाएंगे। यहां पे आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है, यहां लास्ट नेम, आपका प्रोफेशन, आपके पिताजी माताजी जो भी आपका हस्बैंड है उसका नेम डालना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं सेकंड वाला स्टेप आपके पास खुल जाएगा। यहां पे आपसे डिटेल मांग रहा है, जेंडर, डीओबी, कैटेगरी, एजुकेशन, इन सब चीजों को आपको फिल करना है। इसके बाद में आप नेक्स्ट पे ओके करेंगे, आपके पास में थर्ड स्टेप आपका खुल जाएगा। आपका जो थर्ड स्टेप है उसमें आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, ईमेल आईडी मांग रहा है, एड्रेस मांग रहा है, पिन कोड मांग रहा है। आप इन चीजों को भर के आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस नेक्स्ट पे जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास में चौथा स्टेप खुल जाएगा। इसमें मेन चीज इसमें देखिएगा, यहाँ पे आपको आपका वोटर कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पे वोटर कार्ड का फ्रंट साइज आपको अपलोड करना है, यहाँ पे बैक साइड अपलोड करना है, यहाँ पे आपको खुद की इमेज अपलोड करनी है। इसके बाद में आपसे एक वीडियो भी मांगा गया है, इसमें एक वीडियो मांगा गया है, वो वीडियो रिकॉर्ड करना, आपको कैमरा ऑन करना है। आपके सामने इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, इसमें आपको आपका नाम बोलना होगा। आपको नाम बोलने के बाद में यहां पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में पांचवा स्टेप खुल जाएगा। इस पांचवें स्टेप में आपसे स्टेट मांगेगा, डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, असेंबली मांगेगा, इसके अलावा आपसे बूथ संख्या मांगेगा। ये सब चीजें भरने के बाद में आप जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आगे आपके पास में लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप है, ये मेन स्टेप है कि आपको किसको वोट डालना। सबसे पहले आपको यहां पे सेलेक्ट स्टेट प्रेसिडेंट नॉमिनेशन, इस पे ओके करेंगे, आपके पास में यहां पे जितने भी स्टेट के चुनाव लड़ रहे हैं सबके नाम आ जाएंगे। इसके बाद में सेकंड है आपका जनरल सेक्रेटरी का, तो जैसे ही आप इस जनरल सेक्रेटरी वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में इसके भी नॉमिनेशन वाले जो कैंडिडेट है उसका लिस्ट आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वाले की आ जाएगी, ब्लॉक वाले की आ जाएगी। दोस्तों आपको करना क्या है, इसके बाद में जो ये वाला ऑप्शन है ना आपका, ये वाला सेकंड
नंबर वाला जनरल सेक्रेटरी वाला, इसमें क्या करना आपको, ये 80 नंबर पे है अपने। 80 नंबर पे कौन है? हिम्मत सिंह रानीवाल, हिम्मत सिंह रानीवाल है। इन पे क्या करना, क्लिक करना, जो आपने बताया ना आपने भाई, ये डिस्ट्रिक्ट का है ना, सॉरी स्टेट जनरल सेक्रेटरी का है। इसमें आपको किस पे क्लिक करना, 80 नंबर वाले पे। जैसे आप इस 80 नंबर वाले पे क्लिक करेंगे, आपके पास में नाम आएगा किसका, हिम्मत सिंह रानीवाल का। जैसे आप इस पे क्लिक करके बाकी आप ये जो चीजें हैं और आपके स्टेट का प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट असेंबली कैंडिडेट, इनका आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेन आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको हिम्मत सिंह रानीवाल का आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में क्या करना, आपको जस्ट आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके बाद में आपके पास में ये वाला इंटरफेस वापस से आ जाएगा। अब ये वाला इंटरफेस आपके सामने पहले भी था, बैच संख्या आपकी पहले से क्रिएट हो चुकी थी, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला पहले पेंडिंग था। अब है पेमेंट का, अब पेमेंट का आप अगर इस वाले कैंडिडेट का करना चाहो तो इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें और कैंडिडेट एक दो और लोग जोड़ के एक साथ सबका करना चाहिए तो यहाँ से करेक्ट बैच में आप जैसे जो 6 स्टेप्स है वो सबकी कंप्लीट, इसे 8-10 लोगों की करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको वापस अगर पेमेंट करना है इसका, इस पे क्लिक करना, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, आपसे ₹50 का पेमेंट पे करना होगा। कितना पेमेंट पे करना होगा, ₹50 का पेमेंट पे करना होगा। सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे उसके बाद में जो पेमेंट का मोड रहने वाला आपका, जो भी UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैसे भी आप पेमेंट करके ये ₹50 का जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपके जो वोट है वो जो आपका वोट है इंडियन नेशनल कांग्रेस यूथ का, वो आपका वोट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल आपका वोट चला जाएगा। दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस।